तो गाइस अभी मैं हूँ जमालपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ हमारी छोटी सी जर्नी होने वाली है जो कि जमालपुर से बेगूसराय के बीच होने वाली है। गाइस सामने देखिए ट्रेन है और गाइस सीधा सामने लिखा है जमालपुर। मैं जुमला दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जमालपुर लिखा हुआ है, अपनी ट्रेन लगी हुई है। हम लोग पहुँचे हैं 5 से 10 मिनट में, बराबर ट्रेन में बोर्ड करते हैं। ये पैसेंजर ट्रेन है, लगभग आधा घंटे पहुँचा देगी हमें बेगूसराय। ठीक है, चलिए चलते हैं, एंटर करते हैं अपने ट्रेन में। इस प्लेटफॉर्म पर खाली है ये अपने ट्रेन, आगे जाओ। टाइम पूरा ट्रेन खाली है, कोई पैसेंजर नहीं ट्रेन में। हम लोग फर्स्ट बोगी में, अभी हम लोग इंडिया से फर्स्ट बोगी में हैं और सामने है अपना जमालपुर स्टेशन का बोर्ड। अब ट्रेन को निकलने में बस 1 मिनट बाकी, क्योंकि पक्का 5 बजे है ट्रेन की, यहाँ से निकल डिपार्ट कर जाती है जमालपुर से। पहले से ट्रेन पर खा कर हाथ करने की मैंने लिया कि अच्छा व्यू, क्योंकि मुंगेर भी इस ट्रेन में भीड़ हो जाती है। गाइस सिग्नल मिल चुका अपनी ट्रेन को, अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है जमालपुर से। अपना राइट टाइम 5 बजे। गाइस ये डेली पैसेंजर ट्रेन है जो कि जमालपुर से तिलक के बीच चलती है। ये जमालपुर, क्योंकि मैं सबसे आगे हूँ, इसमें सबसे आगे प्लेटफॉर्म पे है, इससे आपको प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया। ये हमारा जमालपुर, ऐसे मुंगेर स्टेशन में चढ़ने का भीड़ होता है, लेकिन इतना सवेरे है तो लगने रह के भीड़ होगा। ठीक है, आ चुके हम लोग अपने पहले हॉल्ट मुंगेर। आ चुके हम लोग मुंगेर फर्स्ट हॉल। थोड़े ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, फिर भी सब लोग आगे चढ़ने वाले हैं। क्या कुछ दिख रहा है लोगों की भीड़? बहुत लोग चढ़ते हैं यहाँ पे यार, 1 या 2 मिनट का हॉल्ट होगा यहाँ पर भी। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत करते हैं यहाँ पे। हाँ, पहले गाइस हमारी ट्रेन ने हॉकिंग दे दी है, तकरीबन अपने समय से 20 मिनट के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। और रीज़न है कि बगल में एक और ट्रैक है, मतलब आगे एक ब्रिज है और ब्रिज में सिंगल लाइन है, जिस कारण से ट्रेन जो है एक ही पास हो सकती है। इसलिए बगल में मालगाड़ी यानी गुड्स गाड़ी की ट्रेन आ रही थी, जिस कारण से ये ट्रेन लेट हो गई। पहुंच रही है अपने सेकंड हॉल्ट सफदलपुर। ये ब्रिज के ठीक बाद पड़ता है, मुंगेर ब्रिज के ठीक बाद पड़ता है ये सफदलपुर। अभी फिलहाल तो खाली दिख रहा है, अब आगे देखते हैं कितना भीड़ चढ़ता है इसमें। Wow.
पनाडो में इस स्टॉप के बाद ये ट्रेन हमारे निकल रही है सफदरपुर जंक्शन से। ये भी जंक्शन स्टेशन ही है। साहेबुल कमाल बोल रहे हैं? नहीं, आपातकालीन तरीकी है, बस डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन साहेबपुर कमाल से। बस ट्रेन हमारे पहुंचने वाली है बेगूसराय। पहुँच गए ट्रेन हमारी। ये स्टेशन इस रूट के बड़े स्टेशनों में से एक है। दिख नहीं रहा है। दिख गया दिख गया यहाँ पर खाली यहाँ पर ऑलमोस्ट खाली हो गई यहाँ पे। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। हाँ आ गया भाई। तो बस डिपार्ट कर रहे हमारी ट्रेन बेगूसराय से। यहाँ पे स्टेशन का 2 मिनट का हॉल्ट था। अब इसके बाद चले जाइए तिलरथ, अपने लास्ट स्टॉप। बस ट्रेन पहुँच गया अपने लास्ट स्टॉप तिलरथ। ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप है यहाँ से। फिर यहाँ से ये ट्रेन जो है वो रिटर्न हो जाएगी वापस जमालपुर की ओर। और सेम रूट वही साहेबपुर कमाल बेगूसराय होते हुए, बेगूसराय साहेबपुर कमाल होते हुए वापस से रिटर्न हो जाएगी ये जमालपुर। यहाँ से 10 से 15 मिनट का स्टॉप इसका यहाँ पे है। यहाँ पर काफ़ी लोग चढ़ते हैं ट्रेन में। काफी लोग चढ़ते हैं यहाँ से ट्रेन में। उतरेंगे ही नहीं आप? बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। तो गाइस ये जर्नी चुके हम लोग तिल रहे और यही समय जो रहता है वापस जाने के दिमाग को। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है ट्रेन में चढ़ने के लिए। उतरेंगे भाई क्या बनाएंगे? तो मिलते किसी नेक्स्ट में आपसे।